साथ ही कोरोना वाले विषय में भी जरूर मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस समय एक राहत की सांस इसलिए ली जा सकती है कि कोरोना के इस सारे कोविड का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और आज लगभग 3600 के आसपास एक्टिव केस हरियाणा में रह गए हैं जो शायद 22000 तक भी टच कर गए थे। तो एक अच्छा सुखद है, कुल रिकवरी रेट इस समय 97.4% ये अपने हरियाणा का हो गया है और कोई बहुत ज्यादा विषय केसेस भी नहीं आ रहे हैं। फिर भी सावधानी बरतने के लिए जरूर मैं अपील भी करूंगा, आग्रह भी करूंगा आपके माध्यम से सारे समाज को कि अभी भी सावधानी अपनी बरतनी चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी जरूर बनी रहे। इस कोविड पीरियड में हम लोगों ने कुछ राहत भी दी है और उस राहत के नाते से जो गैदरिंग है पब्लिक गैदरिंग वो अब क्लोज्ड जगह पर 200 की गैदरिंग और ओपन जगह पर 500 की गैदरिंग की जा सकती है। अभी भी अनलिमिटेड नहीं की है इसको, एक प्रकार से थोड़ा सा लिमिटेशन इसकी अभी भी बना के रखी है ताकि सावधानी सब लोग इसमें बरतें। हमने इस वर्ष में सुशासन दिवस के नाते से एक बात जो वर्ष के प्रारंभ में कही थी कि 2020 का वर्ष हम उसको सुशासन संकल्प वर्ष मनाएंगे और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने उसके अंतर्गत 30 से ज्यादा पोर्टल्स और नए नए जो कार्यक्रम हमने शुरू किए उसके माध्यम से समाज को डिलीवरी एट देयर डोर स्टेप यानी सेवाएं योजनाएं सब कैसे उनके नजदीक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो गांव-गांव में हमारे अटल सेवा केंद्र उसके माध्यम से, शहरों में ई दिशा केंद्रों से, सरल केंद्रों से, अंत्योदय केंद्रों से, ये सब ने किए और इसका प्रभाव एक अच्छा प्रभाव जो गया है। हर वर्ष सब प्रदेशों में से हर विषय को लेकर किसी न किसी प्रदेश को छाटा जाता है तो उसको स्थान मिलता है। तो मुझे प्रसन्नता इस बात की कि इस वर्ष का डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 ये हरियाणा को मिला है और कल 30 तारीख को राष्ट्रपति जी ने वो अवार्ड एक प्रकार से प्रदान किया है। हरियाणा की हमारी टीम वो अवार्ड लेने के लिए वहाँ गई थी तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। सभी कार्यालय उनको हम ई गवर्नेंस की तरफ लेकर के जाए तो ई ऑफिस बनाने की एक शुरुआत हमने कर दी है और इस ई ऑफिस के लगभग 38 विभाग और 4 निगम ये सब ई ऑफिस का जोड़ दिए गए हैं। 26 जनवरी तक यानी 2021 तक पूरे राज्य में इसका विस्तार किया जाएगा कि सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस, विभागों के कार्यालय, निगम कॉरपोरेशन ये सब ई ऑफिस से जुड़ जाएंगे ताकि ये जो फाइलों के माध्यम से कामों की जो डिले होती है वो डिले कैसे समाप्त की जा सके और अकाउंटेबिलिटी इसमें फिक्स करना आसान होगा, जल्दी होगा कि कौन सी चीज़ किस कारण से कहाँ विलंब हुई। तो एक सुशासन के जितने भी ये कार्यक्रम हैं इसको हमने किया है। मेडिकल जो हमारे हेल्थ सर्विसेज हैं उसमें ई संजीवनी ओपीडी ये भी शुरू की गई। कोविड के कारण से जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कि हम ई ओपीडी यानी अपने घर बैठे भी हम डॉक्टर से परामर्श लेकर के और अपने इलाज में उसका लाभ ले सकते हैं। ई पंजीकरण प्रणाली जो रजिस्ट्रियों का ये भी हमको पता है कि हमने इसमें बहुत सुधार किया है। ये जो इलीगल कॉलोनीज जो बनती थी इसमें बहुत बड़ा एक रोल होता था कि जो डेवलपर्स थे, कॉलोनाइजर्स थे, वो ज़मीन को अनप्लैंड तरीके से बेच करके, प्लॉट बेच करके और लोगों को प्रोत्साहित करते थे। इसको रोकने के लिए हमने सख्ती से काम किया, कुछ लोगों को परेशानियाँ इसमें हुई हैं लेकिन फिर भी एक जिसको कहना चाहिए एक हित के लिए, लोक हित के लिए, प्रदेश हित के लिए ये हमने किया है और हरियाणा फर्स्ट स्टेट है, पहला प्रदेश है इतना सख्त स्टेट हमने जो काम किया है। अब 7A के माध्यम से जो भी कोई ऐसा एरिया जिसमें कोई कॉलोनी काट करके छोटे प्लॉट्स बेचेगा वो नहीं बेच सकता, एग्रीकल्चर लैंड को ही बड़े यानी 1 एकड़ से ज़्यादा के जो एरिया है वो उसमें बेचे जा सकते हैं। अगर एक एग्रीकल्चर लैंड 1 एकड़ से कम है तो स्पेशल परमिशन यानी DC ऑफिस से लेकर के वो रजिस्ट्री कराई जा सकती है।
1 अप्रैल 2021 से एक प्रावधान और किया जाएगा कि जिले के अंतर्गत आने वाली तहसीलों में कोई भी रजिस्ट्रेशन किसी भी तहसील ऑफिस से कराई जा सकती है। अब किसी एक तहसील के साथ बंधा हुआ व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई भी तहसीलदार नायब तहसीलदार उस जिले के अंतर्गत रजिस्ट्रियां कहीं भी कर सकते हैं। आगे योजना चल रही है कि जैसे हमारा सारा रिकॉर्ड पूरे प्रदेश का डिजिटलाइजेशन उसकी हो जाएगी तो हम पूरे प्रदेश में ये खोल देंगे कि कोई भी जमीन की रजिस्ट्री प्रदेश में कहीं भी किसी से कराई जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। ये हमारा ऑनगोइंग एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। भूमि का जो रिकॉर्ड है उसकी डिजिटलाइजेशन ये चल रही है। वेब हेल्डिस यानी भू रिकॉर्ड जो सूचना प्रणाली है उसके माध्यम से हमने करनाल से शुरू किया था कि जो लाल डोरा है उसको समाप्त किया जाए और सारे डिजिटलाइज की जाए, जो लाल डोरा के अंदर एरिया है उसको भी रिकॉर्ड यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाया जाए। तो इस योजना को बाद में पूरे देश ने अपनाया है, स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी ने 8 प्रदेशों में ये लागू करवा दी है और बाकी प्रदेश भी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात का भी हमें गर्व है कि एक योजना जो हमने शुरू की वो सारे देश में लागू है। अब गाँव में भी अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करा करके उसको आप मालिक सिद्ध करने के लिए वो बैंकों में और जहाँ भी कहीं हो उसका लाभ वो ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम हमने किया है। डिजिटलाइजेशन का विषय कृषि में भी हमने शुरू किया है, खास करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये एक ऐसा कार्यक्रम चलाया है कि अब हर किसान को उसमें अपनी एंट्री करनी होती है कि उसने क्या फसल बोई है और उसके ठीक डाटा रिकॉर्ड अगर बन जाता है तो बैंकों से लोन लेना है, कहीं फसल खराब होती है तो बीमा कंपनियों से मुआवजे का विषय आता है या मंडी में जाकर के उसको बिक्री करना है, ये सब चीज़ें उसमें सुविधाजनक तरीके से ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। उसकी बहुत परेशानियां समाप्त हो गई हैं और आगे चल करके हम ये भी उस पर विचार कर रहे हैं कि बोने से पहले किसान की जो प्लानिंग क्या है उस प्लानिंग में भी अगर हिस्सेदारी उसको बनवाएंगे तो फिर हम स्टेट में एक अच्छा सहयोग किसान का हम कर पाएंगे। और यदि हमारा एक जो किसान कल्याण प्राधिकरण हमने जो बनाया है उसको ये काम की जिम्मेदारी सौंपी है कि पूरे प्रदेश में किसान को प्रोत्साहन क्या दिया जाए कि कौन सी फसल बोने से उसको ज़्यादा लाभ होगा, तो इसकी पूर्व यानी प्लानिंग प्री प्लानिंग इसकी किसान कल्याण प्राधिकरण वो करेगा ताकि ये फसलें हैं जिसमें किसान अगर बोएगा तो उसको वो इकोनॉमिकली वायबल होगा, वो लाभप्रद ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें भी हम आगे चल करके करने जा रहे हैं। जैसे कल ही मुझे एक मित्र ने कहा कि मैदानी इलाके में अंजीर बहुत अच्छा हो सकता है, हम जो नहीं बोते हैं अभी तक, ये जो पश्चिमी देशों यानी ये जो ईरान अफगान की जो कंट्रीज़ हैं उधर से अंजीर आता है, यह बहुत कम होता है। तो आज ही मैंने बागवानी जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको कहा है कि इसका अध्ययन करें और हम यहाँ यानी अंजीर की खेती अगर हो सकती है अच्छी तो उसको करेंगे। बहुत एक लाभदायक एक मेवा है जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा। तो ऐसी कोई भी नई नई चीज़ें, उदाहरण दिया मैंने, नई चीज़ें कहीं भी जो देश में आवश्यकता है दुनिया में आवश्यकता है और हम यहाँ से पैदा कर सकते हैं तो जिसमें से वो आंदोलन हो गया है। अब आंदोलन का रास्ता निकाल रहे हैं हमारे केंद्र सरकार और किसानों के जो प्रतिनिधि हैं, मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ सब किसानों को भी और सभी केंद्र सरकार को भी इस नाते से जो रास्ता निकालने के लिए एक वातावरण अच्छा बना है, माहौल ठीक बना है। तो उसमें कुछ बातें कल की बातचीत में वार्ता में मान ली गई हैं और कुछ आगे 4 जनवरी को फिर से एक जो मीटिंग होने जा रही है तो शेष विषयों पर भी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ऐसा मुझे लगता है कि जल्दी ख़त्म होगा। इस ठंड के समय में एक सकारात्मक दिशा में काम आगे बढ़े ताकि किसान जो परेशान हो रहे हैं खास करके उसमें बुजुर्ग जो किसान हैं उनको तकलीफ ज़्यादा ना उठानी पड़े, तो ये जल्दी से समाधान हो सके ऐसी मैं आशा करता हूँ। हमने हरियाणा में, मैं ऐसा कई बार चर्चा करता हूँ अपने बंधुओं से, हरियाणा में किसानों के लिए जितना हमने किया है पिछले 6 साल में शायद ही किसी प्रदेश ने किया होगा। यानी उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँगा तो प्रोक्योरमेंट बढ़िया से बढ़िया प्रोक्योरमेंट ये हमारी हुई है और उस प्रोक्योरमेंट में कभी कोई कमी नहीं रखी है। हमारी भावांतर भरपाई योजना, इसमें भी हमने 16 सब्जियों के ऊपर ये भावांतर भरपाई योजना दी है ताकि किसी को लागत से कम ना बेचना पड़े। एक समय था सब्जी सस्ती होने पर सड़कों पर लोग फेंक देते थे, आज ऐसी कोई नौबत नहीं आती है, पहले से ही पता होता है कि कौन सी सब्जी का भाव कम जा रहा है, उसको जिस भी भाव में बेच के आएगा तो कॉस्ट से जितना लॉस होगा घाटा होगा वो सरकार भरपाई करती है। ये योजना हमने पिछले 2 साल से चला रखी है और बहुत सफलता में चल रही है। उसी के साथ
जो बाजार भाव का घाटा है प्रोक्योरमेंट में, खास करके बाजरा और सरसों, 6-7 फसलें ऐसी हैं जो कोई प्रदेश इसको प्रोक्योर नहीं कर रहा। बाजरा सरसों के अलावा हमने मूंग, मूंगफली, सूरजमुखी, मक्का, ये सब खरीदे हैं। तो ऐसी सब फसलों पर खरीदने के बाद निर्देश ये है कि स्टेट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको खरीदे जितनी आवश्यकता है। हम सब खरीदते हैं, खरीदने के बाद सस्ता होने पर बाजार में उसको बेचा जाता है। तो पिछले वर्ष में लगभग 550 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, इस बार वो बढ़ करके, क्योंकि बाजरे की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुई और इस बार बाजरे का रेट जो कि पड़ोस के राजस्थान प्रांत में 1200-1300 रुपया क्विंटल बिका, हमारे यहाँ 2150 रुपया क्विंटल बिक रहा था। तो दो बातें और हुई जिसमें से बाजरा ज़्यादा मंडियों में आया। एक, लोगों ने अपने खाने के लिए लगभग 20-25% बाजरा जो रखते थे वो उन्होंने नहीं रखा। स्वाभाविक है कि 2200 में 2100 में बेचेंगे और खाने के लिए सस्ता लाना पड़ेगा तो पड़ोस में से राजस्थान से ले आएंगे, ऐसा हमको जानकारियाँ मिली हैं। पहले वो रखते थे, इस बार किसी ने अपना वो बाजरा रखा नहीं। दूसरा, हमारे न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं स्मगलिंग बाजरे की राजस्थान से भी होती रही है और उसकी हम जरूर छानबीन करेंगे कि ऐसी जो काम करने वाले कोई व्यापारी होंगे या कोई और व्यक्ति होंगे तो उन्होंने ऐसा किया है तो वो ना कर पाए आगे, इसके लिए कोई ना कोई चेक जरूर लगाएंगे। क्योंकि यही बाजरा हमको फिर बाद में चाहे वो पोल्ट्री फार्म्स को चाहे मंडियों में सस्ता बेचना पड़ता, तो घाटा स्टेट हरियाणा स्टेट अपने किसान के लिए तो घाटा खा सकती है, हरियाणा स्टेट का किसान हमारे लिए, हमारी जिम्मेवारी उनकी है, बाकी प्रदेशों का योजना उनको अपने आप बनानी चाहिए। तो ऐसी योजना पंजाब को भी बनानी चाहिए, ऐसी योजना राजस्थान को भी बनानी चाहिए, बाकी सब जगह भी जो फसलें वहाँ बोई जाती हैं उसके ऊपर MSP पर वो खरीदें। हमने तय किया है, वादा किया है, दृढ़ निश्चय भी बताया है कि हरियाणा में MSP को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। मैंने तो यहाँ तक घोषणा की है कि MSP को ख़त्म करने की किसी ने कोशिश की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। तो इतने दृढ़ संकल्प के बाद भी कोई शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमने किसानों के लिए, बागवानी के जो किसान हैं इनका पहले बीमा योजना में बहुत थोड़े ही बगीचे जो उसमें आते थे, सब्जियां और बागवानी की फसलें नहीं आती थी। हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना एक नई योजना बनाई है, इसमें 2.5% का जो चार्जेस लेकर के उस जो किश्त है, और 30,000 सब्जियों के लिए, 40,000 रुपया बाग किसी बगीचे के लिए फल के लिए, ये इस प्रकार का हमने मुआवजा जो है देने की ये घोषणा की है और इसको बहुत सराहा जा रहा है। इसी प्रकार प्रगतिशील किसान, क्योंकि किसानों में एक वर्ग ऐसा है जो नई नई विधाएं अपने यहां उपयोग करके और उसकी इकोनॉमिक्स वो समझता है कि कैसी फसल बोई जाए, उसमें ज्यादा लाभ कैसे कमाया जाए, वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इस पर भी ध्यान करता है, सिंचाई का भी ठीक ध्यान रखता है, बीज और खाद कौन से डाले जाएं इसका भी ध्यान रखता है, आधुनिक उपकरण इसका भी उपयोग करता है, कम लागत में ज़्यादा फसल कैसे हो, ज़्यादा इनकम कैसे हो, ये प्रगतिशील किसान उसने तरह तरह के प्रयोग अपने किए हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ एकदम आंकड़ा तो रजिस्ट्रेशन का अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हमने कहा है डिपार्टमेंट को कि कुछ पैरामीटर्स तय करके और ऐसे प्रगतिशील किसानों को रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद उनमें कंपटीशन पैदा करेंगे कि कौन सा किसान किस विधि से इकोनॉमिक्स अपनी कैसे बढ़िया बना सकता है। तो ऐसे प्रदेश भर के किसानों को सम्मानित किया जाएगा, उनको सम्मान योजना में शामिल किया है। इस बार कुरुक्षेत्र में ही हमने घोषणा की थी, साथ में ये भी कहा है कि अपने जैसे 10 किसान अपनी विधि के अनुसार वो भी पैदावार सिखाएं बताएं उनको। सरकारी ट्रेनिंग अलग होती है, सरकारी जो प्रावधान है वो हमारे बहुत से सेंटर बने सब हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो प्रगतिशील किसान हैं वो ज़्यादा व्यवहारिक है, तो उसकी व्यवहारिता के आधार के ऊपर वो 10 किसानों को और तैयार करें और इस ट्रेनिंग के नाते से भी उसको प्रोत्साहन देंगे, जो नए ट्रेंड होकर किसान आएंगे उनको भी प्रोत्साहन देंगे। तो इस प्रकार से प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, इसमें जो पहला पुरस्कार हमने रखा है वो 5,00,000 रुपये का है, द्वितीय पुरस्कार जो रखा है 2 किसानों को 3-3 लाख रुपया, तृतीय पुरस्कार जो 5 किसानों को 1-1 लाख रुपया, और फिर 100 किसानों को 50,000 रुपया ये सांत्वना पुरस्कार। तो इस प्रकार से एक योजना बनाई है ताकि कृषि को कैसे अच्छा बना सकें इस ओर वो आगे बढ़ें। जहाँ तक सिंचाई की बात है, हमने पानी के प्रदेश भर में
जितनी पानी हमारी मात्रा है वो तो है, वो अब बढ़ेगी जब बढ़ेगी, लेकिन वर्तमान में जो पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए, उसका सदुपयोग हो जाए, इसके लिए भी कई काम हमने किए हैं। एक इसके अंदर योजना हमने लागू की है कि 4 करोड़ रुपए लगा करके कि पानी का वितरण वो कैसे किसको हो रहा है तो समान वितरण हो जाए, तो इस पर एक वितरण प्रणाली में मशीनीकरण का हमने उपयोग किया है ताकि हर नहर में वहाँ कितना पानी जा रहा है इसको किस प्रकार से और उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि कहीं भी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन ना हो, फिर उसमें कहीं चोरी होती है, बीच रसाव होता है, कहीं कहीं पानी वेस्ट जाता है, उसका भी उसके अंदर एक प्रकार का नियंत्रण कर सकेंगे। और इस आधार पर हमने पानी टेल्स पर पहुंचाया, पिछले साल आपको पता है कि हमने ये घोषणा की थी 300 टेल पर पानी पहुंचाएंगे, 297 पर हमने पहुंचाया, 293 पर, तो 7 टेल किन्हीं कारणों से नहीं पहुंचा, लेकिन पानी का डिस्ट्रीब्यूशन दक्षिण हरियाणा में राजस्थान के बॉर्डर तक हमारा गया। अब इस बार हमारा जोर है माइक्रो इरीगेशन पर, तो माइक्रो इरीगेशन में जो काडा डिपार्टमेंट है जो नालों का, नालियों का और इसका जो रख रखाव करते हैं, नई नालियां बनाने का काम भी किसान के लिए वो करते हैं, उसमें एक काम किया है कि जो 24 फुट प्रति एकड़ की नाली का उनको पैसा दिया जाता था उसको बढ़ा करके 40 फुट कर दिया था हमने, और उसके हिसाब से किसानों को लाभ उसका पहुंचने लगा है। अब काडा को ही माइक्रो इरीगेशन का काम भी दिया गया है, इसलिए इसका नाम अब काडा की बजाय मिकाडा हो गया, MICADA, तो मिकाडा एक अथॉरिटी बन गई है, उसके अंतर्गत हम अब माइक्रो इरीगेशन के काम चालू करेंगे। जहां पानी की कमी है वहां हम माइक्रो इरीगेशन के ही ट्यूबवेल के कनेक्शन दे रहे हैं, और एक विशेष योजना बनाई है कि 25 एकड़ इकट्ठे किसान मिलकर के अगर कोई हमको प्रोजेक्ट के लिए कहते हैं तो उसका प्रोजेक्ट हम सरकार की ओर से उसके जितना भी खर्चा है 85% खर्चा सरकार की ओर से करेंगे, बाकी 15% भी हम सोचते हैं किसी विभाग से, यानी कहीं ना कहीं से प्रबंध किया जाए ताकि किसान को न देना पड़े, फिर भी अगर देना पड़ेगा तो सिर्फ 10-15% ही देना पड़ेगा। तो 25 एकड़ इकट्ठा करके वो लाएंगे तो प्रायोरिटी पर हर खेत को पानी वहाँ पहुँचेगा, और ये कल 1 तारीख से किसानों का पंजीकरण इसमें शुरू करा रहे हैं, पोर्टल उसका बन गया है, जो भी उसमें 25 एकड़ मिल करके अप्लाई करेंगे, अलग अलग भी अप्लाई करेंगे तो जहाँ 25 एकड़ या उससे निकट पहुँच जाएगा उसकी प्रायोरिटी पर। अभी इसके लिए हमने 4 जिले छांटे हैं, सबसे पहले चरण में महेंद्रगढ़ जिला, दादरी जिला, भिवानी जिला और फतेहाबाद जिला, तो इन 4 जिलों में इसको शुरू कर रहे हैं। कितने किसान इसमें आगे आते हैं अकॉर्डिंगली, बाकी जो यानी प्रदेश के और किसान हैं जहाँ माइक्रोइरीगेशन सफल वहीं होगा जहाँ पानी कम है, जहाँ बहुत गहराई में नीचे चला गया, या हम नहर के कारण से और लंबाई के कारण से वहाँ पहुँचा नहीं पा रहे हैं, तो इस प्रकार से इस माइक्रोइरीगेशन के काम को भी हमने प्राथमिकता दी है। साथ ही किसानों के लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना ये लागू की है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी वैसे पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना, और इसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 1,07,000 किसानों के KCC जो बैंकों से कार्ड मंजूर हो चुके हैं, 21,000 लगभग उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन अभी चलेगा, हो रहा है सब, तो ऐसे 1,07,000 किसानों को ये लाभ इस वर्ष मिल रहा है, शेष को भी हम ये लाभ पहुंचाना शुरू करेंगे। उसके लिए अलग अलग प्रकार के जो पशु हैं उनको अलग अलग प्रकार का जो लोन है वो उसके अंदर दिया जाएगा। गन्नौर में हम लोग एक बड़ी मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी होगी फल और सब्जी की, 7,000 करोड़ रुपए की लागत से ये मंडी बनने जा रही है। प्रारंभिक चरण के उसके काम जितने हो चुके हैं, जिसके अंदर कंसल्टेंट की कंपनी वो लग चुकी है, DPR वो अपना क्या RFP उसका तैयार हो रहा है, और जल्दी उसका एक टेंडर निकाला जाएगा, उस टेंडर में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चरणों के अंदर काम कराए जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि इसी वर्ष में 2021 के अंतर्गत ही उसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा, और उसके प्रारंभ के चरणों में जितना जितना एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम शुरू करा देंगे। ऐसे ही एक मंडी पिंजौर में फल और सब्जी की मंडी,
वो भी उसका RFP हो गया है, उसके लिए निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं, उसमें दुकानों का भी ऑक्शन जो है वो अगले महीने शुरू होगा, तो ये भी बहुत जल्दी ये मंडी का काम वहाँ शुरू हो जाएगा। एक कृषि से हट करके एक जो योजना घोषणा मुझे करनी है, जो आपको बताना है, वह है कि हमारे एक कमेटी बनी हुई है, जस्टिस हाईकोर्ट की है उनकी अध्यक्षता के अंदर, और वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था 2020 फरवरी में कि जो शायद मार्च अप्रैल में जो कोरोना के कारण से जेलों के अंदर कोरोना ज़्यादा ना फैल पाए, तो जो कुछ ऐसे कैदी हैं जिनको पैरोल पर भेजा हुआ है, पैरोल पर छुट्टी लेके गए हुए हैं, उनकी पैरोल अवधि बढ़ा दी गई थी। अभी जो अवधि थी पहले 31 सितंबर 2020 आज तक थी, लेकिन कमेटी ने फिर सिफारिश की है कि ऐसे जो पैरोल पर लोग गए हुए हैं, 7 साल की सज़ा जिनको हो गई है, या जो अंडर ट्रायल हैं जिनकी सज़ा 7 साल की बनती है, ऐसे सब लोगों को पैरोल का जो पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है। लगभग 4548 ये ऐसे कैदी हैं, उसमें कुछ की तो 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है, 15 फरवरी 2021 तक ऐसे 2471 लोग हैं, और 2117 लोग ऐसे हैं जिनकी 31 मार्च 2021 तक ये बढ़ाई गई है। तो ऐसे ये जो जस्टिस दया चौधरी की नेतृत्व में कमेटी बनी है, उनकी सिफारिश के ऊपर इसकी भी घोषणा हमने कर दी है, ताकि ये लोग भी अपना 1.5 महीना और 3 महीने ऐसे 2 पीरियड हैं जिसके अंदर वो इस योजना के अंतर्गत जेलों से बाहर रह सकेंगे, अपने घर पर अथवा पैरोल पर जैसे भी है। एक जो विशेष बात है वो है कि अभी सरकारी कर्मचारी इनके लिए एक योजना बनाई गई है कि जो ग्रुप सी और डी, ये दो ऐसे वर्ग हैं जो अभी तक अपने अपने विभाग के हिसाब से इनकी अलग अलग भर्तियां होती थी, लेकिन अब इन दोनों का कॉमन कैडर, डी का तो पहले बना दिया था, सी का भी अब कॉमन कैडर बना दिया है पिछली इस मीटिंग के अंदर, तो अब इन सब का एक बार साल में एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उनका एक प्रारंभिक परीक्षा एक होगी। उस प्रारंभिक परीक्षा में जिसको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहेंगे, वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारे अपने जो विभाग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HPSC या सेंट्रल क्या है वो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहाँ से भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ऐसे तीनों में से कोई भी एक टेस्ट हम कराएंगे। एक मेरिट बनने के बाद विभाग के अनुसार जितनी पोस्टें उस विभाग की खाली होंगी, उससे 3 गुना लोग मेरिट के हिसाब से ऊपर से लेकर के उन्हीं का एग्जाम लिया जाएगा उस विभाग के हिसाब से, उसमें से 1 टाइम सेलेक्ट करेंगे, 2 टाइम्स बाकी विभागों में भी और परीक्षाएं अपनी दे सकेंगे, ताकि बड़ी परीक्षा साल में एक बार ही हो, बाद में वर्ष भर जो हर बार हर पोस्ट के लिए लाखों लोग आते हैं, इसकी बजाय लिमिटेड लोग आएंगे और वो अपना एग्जाम दे करके मेरिट के हिसाब से वो चुने जाएंगे, अगले वर्ष के हिसाब से फिर वो टेस्ट होगा, आवश्यकता पड़ी तो वर्ष में ऐसे 2 बार भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये कराए जा सकेंगे, तो इसका भी निर्णय हमने करना है। एक बार तो पहले कराएंगे, दूसरी बार आवश्यकता होगी तो फिर देखेंगे, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन भी अब इस जनवरी माह में हम कभी भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये परीक्षाएं इनकी जो सामान्य परीक्षा होती है +2 की ग्रेजुएशन की, उसके तुरंत बाद वो परीक्षा होगी, अभी तो 2-3 महीने रजिस्ट्रेशन का ही काम और बाकी सारी चीज़ें वो चलेंगी। एक अब अंत में मैं एक विषय जो मेरे अपने संतोष का है और जो मुझे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देनी है, और वो है अभी जो चुनाव हुए हैं 3 कॉरपोरेशन, 1 नगर परिषद और कुछ नगर पालिकाएँ, तो इन चुनाव में ऑड सर्कमस्टांसेस के बावजूद, जिसको कहना चाहिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, और हम लोगों ने 4 जो सिंबल पर चेयरमैन और मेयर, 3 कॉरपोरेशन और 1 नगर परिषद, 4 में से 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिए हैं।
कांग्रेस को केवल एक ही मिला है और एक दूसरी पार्टी अंबाला वाली क्या नाम है जन चेतना पार्टी। तो हाँ, तो इस नाते से इसमें भी स्थान जो है भारतीय जनता पार्टी का अच्छा रहा है। और जहाँ तक पार्षदों की बात है तो कुल भारतीय जनता पार्टी के